हेलो दोस्तों, मैं मीना सिंह और आज हम बनाने जा रहे हैं खरबूजे का शेक। ये बहुत ही टेस्टी लगता है, एक बार ज़रूर बना के देखें। और अभी खरबूजा सीजन में है तो हमने लिया है एक खरबूजा। आप इसके जगह नाशपाती भी ले सकते हैं जो ग्रीन वाला आता है। और ये देखिए ऊपर का हमने उसका हेड निकाल दिया है और उसके बीज भी हम अच्छे से निकाल लेंगे। आप चाहे तो बीज भी डाल सकते हैं क्योंकि बीज भी बहुत सारी चीज़ों में यूज होता है, शेक में भी यूज होता है, लेकिन क्या है कि उसको छानना पड़ेगा। तो ये देखिए बीज आप अच्छे से फोक की मदद से या स्पून से या किसी भी चीज़ से, स्कूपर आता है उससे भी आप अच्छे से निकाल सकते हैं। तो ये देखिए खरबूजे को हमने साफ़ कर लिया है और अब इसके गूदे को भी हम थोड़ा सा निकालेंगे, पूरा नहीं निकालेंगे वरना ये स्टेबल नहीं होगा। तो आप एक बार बना के ज़रूर ट्राई करें गर्मियों में, और ये बहुत ही टेस्टी लगता है और बहुत फ़ायदेमंद है हमारे शरीर के लिए। इसमें पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है और गर्मियों में हमें पानी की काफ़ी आवश्यकता होती है, तो डिहाइड्रेशन से भी बचाता है। और ये देखिए हमने सारे गूदे खरबूजे के निकाल लिए हैं और अब हम लेंगे एक मिक्सी का जार और उसमें हम ऐड कर देंगे जो हमारे खरबूजे के गूदे हैं वो, और हम इसमें डालेंगे चीनी। और चीनी की जगह आप खांड, गुड़, को मिश्री कुछ भी यूज कर सकते हैं। शुगर फ्री है तो शुगर फ्री ऐड करिए। और हमने लिया है मलाई वाला दूध और इसको हमने एकदम चिल्ड किया है, खरबूजा भी हमारा चिल्ड था तो इसे हमने पीस लिया है। और ये देखिए हमारा पीस के तैयार है खरबूजे का शेक। और ये देखिए कितना गाढ़ा हमने ऊपर से डाला थोड़ा सा रुआ अफ़ज़ा, आपको अगर ना पसंद हो तो ना ऐड करें। और अब हम डालेंगे थोड़े से ड्राई फ्रूट जो आपको पसंद हो या जो आपके पास अवेलेबल हो, और हम इसको गार्निश करेंगे मिंट लीफ से। और ये देखिए कितना टेस्टी बना है। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगी है तो आप हमारे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आगे मिलते हैं हम नई रेसिपी के साथ, तब तक ले बाय।